नमस्कार दोस्तों, इंडियन यूट्यूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपने घुटनों के दर्द से, अपने कमर के दर्द से, अपने जोड़ों के दर्द से, दोस्तों आपको कहीं पर भी ज्वाइंट पेन है, तो ये जो मैं नुस्खा बता रही हूँ, ये नुस्खा आपकी अगर गठिया की प्रॉब्लम है, घुटनों में किसी भी प्रकार का दर्द है, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। कहने का मतलब है हाथ पैर कमर दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द और जोड़ों का दर्द। तो कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का अगर आपके घुटने में दर्द है या फिर गठिया है या फिर बात की शिकायत है, तो सभी प्रकार के दर्दों को ख़त्म करेगा, गठिया और बात की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। तो इसके लिए हमें लेना क्या होगा दोस्तों, ये हमें लेना है मेथी दाना, आपको अपनी किचन में मिल जाएगा। और ये मेथी दाना, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन, आयरन, पोटेशियम, दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और ये जो मेथी दाना होता है, ये आपकी गठिया की शिकायत को या फिर बात की शिकायत को दूर करता है और आपके घुटने का जो दर्द है उसको बिल्कुल खींच लेता है। तो आपको करना क्या है, एक तवा ले लेना है, जिसमें हम रोटी सेकते हैं, तवा ले लीजिए और उसमें आप ये 4 चम्मच मेथी दाना डालिएगा। और अब इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने हल्का सा इसको गर्म कर लिया है, हमें बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मेथी दाना दर्दों के मामले में बहुत अच्छा है। मेथी दाना तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हमारे हार्ट को भी अच्छा रखता है, ब्लड का संचार भी अच्छा करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, यानी कि रोस्ट कर लिया है सेम आंच पर। और अब इसको हमें क्या करना है, इसका बनाना है हमें पाउडर। तो चलिए हम ले लेंगे मिक्सी का जार और इसका हम पाउडर बना लेंगे। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है आपके दर्दों को ख़त्म करने में। और आप सभी लोग जानते होंगे कि मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, इसका अगर आप पानी भी पिए तब भी ये फायदा करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे, एक बारीक सा पाउडर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसको हम करेंगे एक कटोरी में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ आल पर प्रेस करना। इससे होगा ये जो नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, इस पाउडर को मैंने बना लिया है और आप चाहें तो किसी डिब्बी में भर करके रख सकते हैं एक साथ बना करके। अब हम इसमें से इसे दूसरी कटोरी में हम डाल देंगे इस मेथी का पाउडर। तो करीबन इसमें मैंने 2 चम्मच मेथी का पाउडर डाल दिया है और अभी ये पाउडर हल्का सा गुनगुना है। तो और अब इसके बाद में इसमें हम डालेंगे दोस्तों, क्या डालेंगे, तेल। तेल हमें कौन सा लेना है, सरसों का, सरसों का तेल। अगर आपके पास में है तो सरसों का ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप अरंडी का तेल ले सकते हैं, यानी कि कैस्टर ऑयल। अब वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह पर तिल का तेल ले सकते हैं। तो इसमें करीबन मैं 1.5 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ और इसमें अभी हम 1 चम्मच तेल और डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करके देखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा इसमें तेल ना हो जाए। तो ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा सूखा सा पाउडर है तो इसमें हम 1 चम्मच तेल और मिक्स करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है। कुल मिलाकर के आपको 2.5 चम्मच इसमें तेल डालना है, 2.5 से 2 चम्मच इसमें तेल डालना है। और बस अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी इसलिए डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा लसलसापन आ जाए, ताकि आप इसको आराम से इस नुस्खे को यूज कर सकें। तो चलिए, इसमें मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है करीबन 1 चम्मच। हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, बस गुनगुना पानी इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए, हमारा ये नुस्खा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपके घुटने में अगर दर्द है तो वहाँ पर इस तरीके से इसको लीजिए पेस्ट को, और आप अपने घुटने में इसको इस तरीके से लेप कर दीजिए, घुटनों के ऊपर या फिर कमर में, जहाँ कहीं भी दर्द है आप इस तरीके से लेप कर दीजिए। तो ये मैं पेस्ट लगा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने हाथ का ज्वाइंट है उस जगह पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से अपने घुटने में, अपने कमर में या फिर कहीं पर भी जोड़ों का दर्द है, ज्वाइंट में दर्द है, तो इस तरीके से लेप कर सकते हैं। और इसके बाद में आप एक पट्टी बांध दीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और पट्टी बांध दीजिए, और इसको बांध करके आप इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप रात भर नहीं बांध सकते हैं तो लगभग 2 घंटे आप फिर भी बांधें। दोस्तों आपको देखना, आपको देर आराम मिलेगा, आपको पहले दिन से ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा।
तो आप इस तरीके से इस पेस्ट को हल्का सा गुनगुना करके, हल्का सा गुनगुना, इसमें आपने देखा मैंने गुनगुने पानी का यूज़ किया है तो ये पेस्ट गुनगुना हो चुका है। तो इसको गुनगुना गुनगुना आप बांध दीजिए इस तरीके से लगा करके, लगभग आप 15 दिन तक करिए और आप देखना आपके घुटने का दर्द सारा गायब हो जाएगा, गठिया की शिकायत खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको रात भर बांधिए, आप चाहें तो 2 घंटे के लिए बांध लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो जब इसको आप खोलें तो गुनगुने पानी से आप उस जगह को धो लीजिए जिस पे आपने पट्टी बांधी है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।